दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। सबसे पहले पाली जिले के जो बेरोजगार साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुर्घटना सहन करने की पूरी ताकत दे। दोस्तों आपके बीच में विभिन्न भर्तियों को लेकर जो हमने 4 तारीख को ऐलान किया था, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, उसको लेकर भी और जो पिछले 2 दिन से जो घटना घटी हुई थी, जो बेरोजगार साथी जो परीक्षा देने आया था इस दुनिया में नहीं रहा, उनके परिवार के साथ कल भी और आज भी साथ ही थे और जितना सहयोग हुआ हमने किया। और अब मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रदेश के तमाम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद प्रदेश की मीडिया को जो पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन कई लोग जानने के इच्छुक होंगे कि उनका लास्ट में क्या हुआ। तो साथियों 2 बजे तक मैं भी उनके साथ था, रात को भी साथ था, जितना सहयोग हुआ हमने किया। कई साथियों ने सोनी हॉस्पिटल के बाहर भी प्रदर्शन किया। जब उनके परिजन लगातार हम उनके साथ थे, जब रात को अकेले थे तो मैं उनके साथ था, दिन में सुबह भी जल्दी पहुँच गया उनके पास था। लेकिन बाद में उनके जो परिवार के कई लोग आए और फिर परिवार के लोगों के उनके बीच में क्या वार्ता, क्योंकि हम लोग सहयोग कर सकते हैं, परिवार के मामले में दखलअंदाजी नहीं दे सकते हैं। सपोर्ट उनको ये कहा, जब भी आप याद करना आपके साथ रहेंगे और जब भी वो बुलाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। अब जो उनके बीच फिर और पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल जो जहां उनका शव था उनके बीच में क्या वार्ता हुई, अभी तक उन लोगों को मैंने कोशिश की थी लाइव आने से पहले फ़ोन करने की, 3-4 बार फ़ोन किया, फ़ोन उन लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन जितना सहयोग हुआ हमने किया है। दोस्तों 4 नवंबर को हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सभी लोग अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में पूछे थे। दोस्तों उन लोगों के एक तो गलतफहमी वो लोग निकाल ले, मैंने पहले भी कहा था सही समय पे आने पर हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे और आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे, क्योंकि कई लोग कहते थे कि ये तो कांग्रेसी है, शायद सीएम साहब से और शिक्षा मंत्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो 4 तारीख की मीटिंग के बाद लगातार उन्होंने ट्वीट्स हमारे डिबेट्स जो मीडिया के माध्यम से देखा होगा, उनका एहसास हो गया होगा और आज की इस लाइव प्रोग्राम से भी आपको एहसास हो जाएगा। लोगों की भर्तियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मेरी भर्ती का परिणाम कब आएगा, ये कब होगा। दोस्तों आंदोलन का मतलब यही है कि तमाम भर्तियों के परिणाम आए, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां अन्य जो विभाग है तमाम उन विभागों में भर्तियां आई, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, राजस्थान की भर्ती हो, तमाम मांगों के लिए ही हमारा आंदोलन है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो लड़ाई हमने स्टार्ट की है पहले राजस्थान में, उसको नाम दिया वोट की चोट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वोट। और इन दिनों में चुनाव राजस्थान में चल रहे हैं, आपको पता होगा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 23 नवंबर से। कई लोग कह रहे इतने लेट आपने प्रोग्राम क्यों रखा है। दोस्तों 10 तारीख को हम भीलवाड़ा इकट्ठे हो रहे हैं, सभी साथी जो भीलवाड़ा के हैं उनसे मेरा निवेदन है, मैं खुद 9 तारीख को शाम को भीलवाड़ा पहुँच जाऊँगा। 10 तारीख को भीलवाड़ा हमारी ऐतिहासिक मीटिंग होनी चाहिए और एक यहाँ से नहीं दिल्ली तक मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान में बेरोजगार ने ताल ठोक दिया, कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है कि कोई सी भी सीट आपको जीतने नहीं देंगे, आपका विरोध करेंगे। उपचुनाव है, वहाँ एमएलए प्रत्याशी कांग्रेस की इस दुनिया में कोरोना की वजह से नहीं रहे, वहां हम बेरोजगार प्रत्याशी उतारेंगे और कम से कम 3,000 बेरोजगार घर घर जाकर प्रचार करेंगे। चुनाव हालांकि 3-4 महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन आज ही हम 10 तारीख को ताल ठोक देंगे, हमारा प्रत्याशी है और हमारी टीम वहां लग जाएगी। इसके अलावा फिर आपको पता है कि दिवाली आ गई, लोग गाँव घर चले जाएंगे, उसके बाद भैया दूज है, गोदा है, तो 16 तारीख तक सब लोग बीजिए। हमने 17 तारीख सीकर से हमने जो एक तो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिस प्रकार कांग्रेस चला रही है किसान विरोधी बिल को लेकर जो अभियान चला रही है, तो हम चला रहे हैं कांग्रेस सरकार बेरोजगार विरोधी स्लोगन के साथ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। साथ में ही पर्चे बांटे जाएंगे कि कांग्रेस सरकार को वोट नहीं दे, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये अभियान हम 17 तारीख से कहाँ से चला रहे हैं, जो कोई लोग कहते हैं ना उसका भी जवाब देंगे, हम सीकर से चला रहे हैं और वही पीसीसी चीफ के विधानसभा क्षेत्र से यानी कि लक्ष्मणगढ़ से हम पर्चे बांटकर इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं रीट 2020-18 सबके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम को लेकर जो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। और जिन लोगों के गलतफहमी है उनको मैं कह दूं, उपेन यादव रुकने वाला नहीं है ना झुकने वाला है, चाहे जेल में डाले चाहे कुछ भी करो, मुझे यह भी पता है कि मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। 264/2019 जो मुकदमा मेरे दर्ज है उसमें मेरी गिरफ्तारी नहीं है, उसमें मुझे कभी जेल में डाला जा सकता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। चाहे जेल में डाले, जेल में डल गया वापस बाहर आके फिर लड़ाई लड़ूंगा,
लेकिन सच्चाई की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने कोशिश मानी मुख्यमंत्री जी से मिलने की, पूरी कोशिश की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, अधिकारियों के तानाशाह, मंत्रियों की लापरवाही, जो दुत्कार रहे थे मंत्री हमारे बेरोजगार को सुन नहीं रहे थे, तो बेरोजगारों के स्वाभिमान में हमको चोट पूछी है। लगातार घोषणा कर रहे थे कि हम भर्तियां सितंबर में निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो घोषणाएं मंत्रियों की कहाँ जा गई? जो आज हादसे हो रहे हैं, मैंने पहले भी इनको अवगत करवाया था कि कोरोना काल है, यानी कि 17,60,000 जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस के एग्जाम देने आ रहे हैं, इसमें उनके परिजन भी आएंगे, 20,00,000 लोग 500 किलोमीटर से वो सफर करेंगे, कई संसाधन वो चेंज करेंगे, गाँव को रहने वाले अभ्यर्थी ज्यादा हैं वो आएंगे, कहीं मुझे इस बात की भी चिंता है कि संसाधन चेंज करने के दौरान, साधन चेंज करने के कोरोना यहाँ से गांव न ले जाएं, क्योंकि उनको गृह जिला देना चाहिए था। आज जो डूंगरपुर से कुछ अभ्यर्थी आ रहे थे, उनका मांडल में एक्सीडेंट हुआ, एक उसमें घायल हुआ, एक की मौत होगी, कल दौसा में भी एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा होगा जयपुर में एक्सीडेंट हुआ, आज राजसमंद में जो आपने देखा भीम में एक्सीडेंट हुआ, तो लगातार ये अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं और कई लोगों की मौत हो रही है, कई परिवार अपने बेटों को खो रहे हैं, तो ये सिस्टम में बड़ी खामियां है, उनको गृह जिला देना चाहिए। जब आप एक तरह तो नीट के एग्जाम के लिए कह रहे हो कि कोरोना काल में एग्जाम नहीं हो सकती, उनके लिए बसें फ्री कर रहे हो, तो जो गरीब किसान का बेटा है, आम आदमी का बेटा है, उनके लिए बसें फ्री क्यों नहीं हुई जो आंदोलन क्षेत्र है? इसके अलावा उनको गृह जिला मिलना चाहिए था। यदि गृह जिला मिलता तो कहीं ना कहीं आज उनकी मौत नहीं होती और उस परिवार को अपना बेटा खोना नहीं पड़ता। लेकिन ये चीजें इस सिस्टम में व्याप्त विसंगतियां हैं। आपने देखा होगा गुर्जर समाज का आंदोलन चल रहा है, आपने डूंगरपुर में भी आंदोलन देखा होगा, सरकार का एक ही बयान आता था कि वार्ता के द्वार खुले हैं। आज प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ कब न्याय होगा, हमारी वार्ता के द्वार कब खुले? कम से कम हमारी युग में उस दिन जब 4 तारीख को मीटिंग थे, हमने स्पष्ट कहा था सबको कि 1 या 2 या 3 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं आना है। 150-200 के लोग करीब वहां मीटिंग में 4 नवंबर को हमारे यहाँ जयपुर पूछी, और ये ज्ञापन उस मीटिंग में मुझे प्राप्त हुए, यानी कि 35 भर्तियों के ज्ञापन मुझे मिले उस मीटिंग में। क्या 35 भर्तियों के बेरोजगारों से वार्ता सरकार नहीं कर सकती? संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री बैठ के निस्तारण नहीं कर सकते कि भैया आपकी समस्या का निस्तारण हम इतने दिन में कर देंगे? वो लोग कम से कम उनको तसल्ली मिले, आज आर्थिक रूप से, आज मानसिक रूप से बेरोजगार परेशान है। तो हमने 4 तारीख को सोच समझ कर निर्णय लिया है, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, पटरी पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि सभी युवा बेरोजगार हैं और उनको भविष्य में नौकरी लगने, पटरी पे तब जाएंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो पटरी पे भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम वोट की चोट का अभियान चला रहे हैं। पहले 10 तारीख को हम भीलवाड़ा, सभी साथियों से मैं निवेदन करना पड़ूंगा, मैं 9 तारीख को भीलवाड़ा रात को पूछूंगा, 10 तारीख को आपको आना है, जो आसपास के जिले वाले भीलवाड़े वाले उनको आना है, मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद मैं 11 तारीख को अजमेर RPSC के अध्यक्ष साहब से, जो विभिन्न भर्तियाँ, चाहे AN की हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम हो, तमाम जो भर्तियाँ जो RPSC में उलझी हो, उससे संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। उसके बाद जयपुर पहुँचने के बाद हम 16 तारीख को शाम को सीकर पहुंच जाऊंगा, 17 तारीख को सीकर, और उसके बाद 18 तारीख को झुंझुनू, 19 तारीख को चूरू, 20 तारीख को हनुमानगढ़, और 21 तारीख को गंगानगर, 22 को बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, जोधपुर, ये मैं शेड्यूल आप लोगों को बता दूंगा, फिर अजमेर। तो आप लोगों को बता देंगे, हम लगातार इन जिलों में, मैं खुद बाहर रहूंगा, आप सबसे मिलूंगा, हमारे लोग मिलेंगे, हमारी टीम होगी, जो एक अभियान चला रही वोट की चोट, यानी कि बेरोजगार। इस बार जो जिला परिषद के चुनाव है, जो चुनाव है पंचायत समिति के, वो कांग्रेस का खुला विरोध करेंगे, आम जनता से पर्चे बांटकर अपील करेंगे, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने कहा था अब होगा न्याय, लेकिन अभी तक न्याय नहीं हुआ, तमाम भर्तियां लंबित है, बेरोजगार हो रहे हैं, कौन कौन सी भर्तियां, कौन कौन सी मांगे, उनके लिए मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं पहले अपनी रणनीति के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आपको लगा होगा क्योंकि इस गंदी राजनीति में, दलदल में हमने खुला चैलेंज दिया है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त मुझे जेल में फिट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमने चैलेंज दिया है, जो आंदोलन की चेतावनी दी है, उसको पूरा करेंगे। आजकल क्या होता है, कई लोग चेतावनी की धमकी दे रहे हैं, हम ये कर दें, वो घर बैठे कुछ नहीं करते, लेकिन हमने जो कहा है, इसके अलावा इस अभियान के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो 10,000 लोगों के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे। खुला कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सब, आपने लगातार मॉनिटरिंग की, निर्देश दिए, आपके निर्देशों की पालना नहीं हो रही, अधिकारी नहीं माने, मंत्री नहीं माने, हम मजबूर होकर, हम चाहते हैं आप हमारे बेरोजगारों से, सब प्रतिनिधियों से, जो जिन जिन प्रतिनिधियों से वार्ता करें, उनकी समस्याओं को निस्तारण करें। अब वार्ता नहीं हो तो हमारी मजबूरी होगी, दिल्ली जाएंगे, चाहे मेरी जान चली जाए दिल्ली जाएंगे, वो भी 10,000 लोगों की संख्या में, चाहे कोरोना
काल में हमें जाना पड़े, हम जाएंगे और आर पार की लड़ाई होगी, और वहां राहुल गांधी जी से उनके निवास के बाहर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था राजस्थान में अब होगा न्याय, तो पूछेंगे कि प्रदेश में कब होगा न्याय। 10,000 की संख्या में 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, जिन लोगों के गलतफहमी है कि हम नहीं जाएंगे, खुला कह रहे हैं, वीडियो को याद रखना, नोट कर लेना, 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, तो करेंगे ही, क्योंकि उससे पहले जो हमने वोट की चोट जो विरोध करने का निर्णय वो भी करेंगे, और 10 नवंबर को जो भीलवाड़ा मीटिंग है वो भी आयोजित होगी। हम लगातार जो हमने चेतावनी दी उन चेतावनी पे हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हमें धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी फ्री नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करते रहे, जिलों में चक्कर काटते रहे, अपनी जान को खतरे में डालते रहे, लेकिन कम से कम जो हमारे अभिभावक है माननीय मुख्यमंत्री तक बात तो पूछे कि आज बेरोजगार सड़कों पर क्यों उतरे, आज कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो भी बेरोजगार समर्थन दे रहे थे आज विरोध में क्यों उतरे, क्योंकि कम से कम उनकी बात मानी जाए। और दोस्तों कई लोगों के सुझाव आते हैं कि हम पटरी पे चले जाएं, कई चीजें हैं जहां अभी तक गुर्जर समाज का आंदोलन चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी उनके बुजुर्गों की है, वो साथ हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें देखी जाती है, क्योंकि आपका भविष्य मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि आज भी मेरे कई साथियों के मुकदमे दर्ज हुए थे जो राजस्थान पुलिस में उनका नंबर आ गया, आज भी उनके मुकदमों के लिए हम भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज स्थिति आएगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले वोट की चोट दिल्ली, और उसके बाद चाहे हमें पटरी उखाड़नी पड़े या पटरियों पर जाना पड़े, ट्रेन रोकना, वो भी करेंगे, आपका भाई आपके साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों जो चीजें आप सबसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं घर से आप लोगों के लिए निकलूंगा, 10 तारीख को मैं निकलूंगा, 16 को निकलूंगा, 17, 18, 19, 20, 21, 25 तक हमने शेड्यूल बना दिया, इन जिलों में हम लोग आएंगे। अभी तो पर्चे हमें छपाने हैं, पर्चे बंटवाने, सारी चीजें हम लोगों को मिलकर करना है। एक चीज और कह रहा था, कई लोगों को मुझे मैसेज आते हैं, मैं भर्तियों को लेकर भी चर्चा करूंगा, ये ज्ञापन जो मुझे प्राप्त है उनके लेकर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लगातार देखो जो स्थितियां चल रही है, मुझे कहते हैं कभी एक बुजुर्ग अंकल जी का भी फोन आया, कल कह रहे थे कि आप अध्यक्ष बन बैठे हो, आप AN भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं, आप ऊर्जा, आप लंबित भर्तियों के लिए क्या कर रहे हैं, आप बाहरी राज्यों के मुद्दों के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा, हर MLA हर नेता अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं। मैं अपने परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए दिन रात लगा रहता हूं, एक भर्ती नहीं है, हर भर्ती के लिए भागते हैं, कोशिश करते हैं, हम अधिकारियों से, मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री से, और जो तमाम उनके मुख्यमंत्री के अधिकारियों से निवेदन कर सकते हैं, आपकी बात उठा सकते हैं, बात उठाने में, आवाज उठाने में कोई कमी नहीं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, और हमें लगा कि परिणाम नहीं आ रहा, हमें लगा कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हमें लगा भर्ती की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही, बाहरी राज्य का कोटा समाप्त नहीं हो रहा, अधिकारी भी तानाशाही नहीं मिट रही, और इन सबको लेकर तभी तो हमने आंदोलन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों आंदोलन का ऐलान किया, क्या शोक है क्या आंदोलन करने का। जब हम ज्ञापन देते हैं, इंतजार करते हैं, तो एक आवाज आती है कि आंदोलन करिए, आंदोलन करते हैं कि हमारा परिणाम कब आएगा, भैया इन सबके लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहा हूं, क्या मेरी व्यक्ति के सरकारों से दुश्मनी है, अरे इस सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगार को समय पर रोजगार मिले, हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी होगी, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, अब प्रदेश में बेरोजगारों की सरकार होगी, यानी कि बेरोजगारों की मांगों को मानोगे तो बेरोजगार आपके साथ होंगे, अन्यथा आपके खिलाफ होंगे, खिलाफ हो गए तो आप भी बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगारों को बराबर बेरोजगार इन नेताओं को कर देंगे। तो हम सबको मिलकर सबसे पहले वोट की चोट करनी है, वोट की चोट करनी है, और यदि हमारा अभियान सफल हो गया, ये 3 बार हमसे वार्ता भी करेंगे, हमारा बेरोजगार आयोग भी बनाएंगे, बाहर राज्य का कोटा भी समाप्त होगा, लंबित भर्तियां पूरी होगी, नई भर्तियां भी आएंगे, लेकिन इसके लिए हम सबको जिद तोड़ करके मेहनत करनी पड़ेगी। इस अभियान के दौरान मुझे जेल में डालते या मुझे मेरे साथ कुछ भी होता है, चाहे इस दुनिया में मैं नहीं भी रहूं, तो आप लोगों को यह लड़ाई लड़नी होगी, आप लोगों को सत्य की लड़ाई लड़नी होगी, इस सिस्टम में सुधार करवाना होगा, क्योंकि आज बेरोजगार अवसाद में मैं इन 35 भर्तियों के बेरोजगारों से मिला ना, उनके आंखों में जो मैंने दर्द देखा, जो आंसू देखे, जो विश्वास देखा मेरे प्रति, क्योंकि कोई सी भी सरकार हो आपने देखो 9 साल में पहले जो हमारी संघर्ष की शुरुआत कांग्रेस सरकार से हुई, दूसरी सरकारें 5 साल हमने संघर्ष किया, फिर हमने समर्थन दिया, हमने 2 साल वेट किया, 2 साल होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार सिस्टम में सुधार नहीं, हम चाहते सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगार को समय पर रोजगार मिले, और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारी, तमाम मांगों के लिए हम संघर्ष किए, लेकिन हमें लगा कि नहीं अभी तक सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, तो हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दोस्तों
कई लोगों के मैसेज आते हैं उनके लिए, जो कुछ लोगों के लिए सुखद खबर मैं ये बताऊंगा कि जो दीपावली के ऊपर जैसे एंटिटी का परिणाम अभी तक नहीं आया, फाइनल परिणाम नहीं आया, शायद सोमवार मंगलवार यानी कि आने वाले वीक में उनका परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनका परिणाम आ जाएगा, एनटीटी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का, वो भी दिवाली से पहले परिणाम आ जाएगा, ये हमें अधिकारियों ने बताया। क्योंकि दोस्तों घुस के नहीं दे सकते, हम प्रयास कर सकते हैं, बोले दिवाली से पहले उनका परिणाम आ जाएगा। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर है, एनटीटी है, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, इसका परिणाम भी दिवाली से पहले आने की पूरी संभावना है। मैं संभावना क्यों बोलता हूँ, क्यों संभावना बोलता हूँ, अधिकारियों से मैंने उनका 100% सोमवार मंगलवार को एंटिटी का जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन कई बार नहीं आ पाता किसी कारण, टेक्निकल कई प्रॉब्लम हो जाती, यार उपेंद्र यादव ने कहा था क्यों नहीं आया, झूठ बोल गया, इसलिए मैं संभावना में बोलता हूँ। लेकिन जो अधिकारियों ने हमें कहा कि आपका परिणाम यानी कि सोमवार को एंटिटी का आ सकता है, मंगलवार को आ जाए, उसके बाद जो रेडियोग्राफर है, इसके अलावा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन है, इसके अलावा जो ये है पुस्तकालय अध्यक्ष है, इन तीनों भर्तियों का परिणाम दिवाली से पहले आने की पूरी संभावना, आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। जितना प्रयास मुझसे हुआ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो एलडीसी भर्ती 2018 603 पदों वाला मामला फाइनेंस में वो चली गई है, पहले तो पत्रावली पर जो उनसे जो पदों का जो उन्होंने विवरण अन्य डिपार्टमेंट से मंगवाने का निर्णय होता, बाद में ए आर ने खुद ने ही उनको पूरा डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद वो फाइल वापस ARD से वित्त विभाग में चली गई है, और शायद मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन वर्किंग डे में वो वहाँ से फाइल क्लियर होकर आ जाती है, यदि तो उसके बाद आपका अधीनस्थ बोर्ड में फाइल जाएगी वहाँ से। एक अब निर्भर है कि आने वाले वीक में एक दो दिन में फाइल आ जाती है तो शायद आपका परिणाम दिवाली से पहले 100% आ जाएगा। यदि वित्त विभाग से फाइल नहीं आई तो थोड़ा आपको लेट हो सकता है। आपके साथी जो लोग आपकी टीम पूरी कोशिश करिए कि MLA भी उसमें सहयोग करें तो अच्छा वो कार्य करें, लेकिन कोशिश है कि आपका परिणाम भी दिवाली से पहले आए। दोस्तों इसके अलावा जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश है, मेरी खुद की IAS निर्देश के पवन जी से बात हुई थी, उनका बहुत जल्द इनके नियुक्ति आदेश जारी कर देने, मैं प्रयास कर रहा हूँ दिवाली से पहले इनके भी नियुक्ति के आदेश जारी हो। दोस्तों आपके बीच में आने का उद्देश्य है कि जैसे अब मैंने सुखद कई खबरें बताई कि लोगों को अच्छा, लेकिन जो इंतजार कर रहा है कि हमारी आखिरकार दिवाली कब बनेगी। अब दोस्तों मैं तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। हाँ एक चीज और बता दूं आपको, जैसे 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, 4 के बाद CM साहब के जो सक्षम अधिकारी हैं वहां से फोन आया था, और उन्होंने हमारी जो बेरोजगार की मांग थी उन्होंने मेरे से मांग पत्र लिया है। मैंने तमाम जो मुझे 35 भर्तियों के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपे थे, वो इसके अलावा जो और मेरे पास जो पहले से बेरोजगारों के ज्ञापन मिले थे उनकी मैंने पूरी डिटेल उनको सौंप दी है। अब इसमें निर्णय सरकार को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है। अब निर्णय हमारी ताकत पे है, हमारे संघर्ष पे है, हमारे आंदोलन पे है। यदि हमारा आंदोलन मजबूत होता है तो हमारा मांग पत्र जा चुका है तो सरकार हमें बुलाकर हमारी मांगों को निस्तारण कर सकती है, वार्ता कर सकती है। यदि हमें दम नहीं रहा, हमारे आंदोलन दम नहीं रहा तो हमेशा के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन हम सबको इस आंदोलन को सफल करना है, आगे बढ़ना है, मांग पत्र जा चुका है और उन समस्याओं का निस्तारण करवाना है। अब एक सवाल सबसे ज्यादा मुझे, मैं तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज जो रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर कमेंट आते हैं कि हमने प्रयास किया, मंत्री जी की घोषणा हुई कि फरवरी में इसकी एग्जाम होगी और कहा गया कि नवंबर में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लोगों के लगातार मैसेज आते हैं कि विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो पा रहा, दिवाली से पहले विज्ञापन जारी होने की बात हुई थी। दोस्तों स्पष्ट है, यदि दिवाली से पहले आपका विज्ञापन जारी नहीं होता है, साफ बात है जो शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था बहुत जल्द होगा, चाहे 2018 चाहे 16 की एक और सूची जारी होने का मामला हो, 18 में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 16 में SLP वापस लेनी है, SLP वापस लेने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, उनकी भी हम मांग करते हैं, उनकी भी सूची निकाले, 2017 की निकाले, साइंस मैथ की निकाले, लेकिन 2018 का इंतजार नहीं करना है, उनकी तो पहले निकाल देनी चाहिए, उनकी भी आनी चाहिए, लेकिन 18 की सूची जल्द जारी हो। लेकिन 2020 वाले जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि यदि दिवाली से पहले आपका विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम लोग, पहले तो हमारा प्लान यही था कि सीकर से हम लोग जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव को विरोध के अभियान को जो हस्ताक्षर अभियान हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी हमने प्लानिंग की है यदि नहीं आते हैं तो हम PCC चीफ और शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हो सके तो उनके घर से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा आक्रोश बढ़ चुका है। कई लोग कहते हैं उपेंद्र यादव जी को शिक्षा मंत्री जी का गठबंधन है, भैया मेरा गठबंधन केवल बेरोजगारों से है,
शिक्षा मंत्री जी काम करेंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा, काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब काम किया उन्होंने हमारी घोषणा की, कई काम के मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन जिस प्रकार 11 लाख बेरोजगार परेशान है, जब उनके मैं स्थिति देखता हूँ, उनके परिवार की स्थिति देखता हूँ, वो कहते हैं कि आखिर कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब पैटर्न जारी होगा, कब पदों का विवरण आएगा, कब एग्जाम होगी, क्या एग्जाम का महीना तो जारी होगा लेकिन तिथि कब जारी होगी, संशय बना कि फरवरी में होगा कि नहीं होगा। तो इन चीजों को लेकर जब मैं उनकी परेशानी देखता हूँ तो निर्णय ले लिया है कि मंत्री जी अब हम लड़ाई आपके खिलाफ ही, आर पार की लड़ाई का ऐलान करें, ये आपके खिलाफ नहीं है, ये पूरी सरकार के खिलाफ है, पूरे सिस्टम के खिलाफ है, हम चाहते हैं समय पे विज्ञप्ति जारी हो, समय पे उनकी परीक्षा तिथि का पता चले कि वो उस प्रकार तैयारी कर सके, पदों का विवरण पता चले कि कौन से विषय के कौन कितने पद है, लेवल फर्स्ट में कितने हैं, सेकेंड में कितने हैं, और जो चीज़ें हैं। एक चीज़ विशेषकर एक विवाद था उस पर भी चर्चा करना सुनना चाहूँगा, बीएड और बीएससी के विवाद को लेकर। कई लोग कहते हैं कि आप किधर हो क्या हो, लेकिन दोस्तों मेरे, मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती 2012 में जब 2 जून को एग्जाम हुई थी 39,000 कितने पदों पर, तो पहले क्या है कि लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को अलाउ कर लिया था, और लगभग 3-4 दिन पहले, क्योंकि कई लोगों ने जैसे फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को अलाउ कर लिया, कई लोगों ने क्या किया कि सेकेंड लेवल की तैयारी नहीं की, फर्स्ट लेवल की तैयारी की, फर्स्ट लेवल में हम बैठेंगे, सेकंड की इतनी तैयारी नहीं की, उन लोगों को 2 या 3 दिन पहले, शायद 29 या 28 हाईकोर्ट का आदेश आया था 2012 में, तो उनको एग्जाम से पहले बाहर कर दिया गया है। आप सोचिए, जिन्होंने लेवल 2 की तैयारी नहीं की, फर्स्ट की तैयारी करते रहे, वो बाहर हो गए, और वो शायद कई लोग आज भी कहते हैं कि हम बाहर होने से आज भी हमारा नंबर नहीं आया, तो वो लोग उनके साथ गलत हुआ। ऐसे ही मान लीजिए अब कह रहे हैं कि उनको बिठाया जाएगा, मेरी मांग ये है कि विधिक राय ली जाए, यदि कि एनसीटी के नियमों की विधिक राय ली जाए, यदि ऐसा नहीं हो जैसे हिमाचल में अब फैसला आना बाकी है, अन्य हाईकोर्ट के फैसला, उनकी विधिक राय ली, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, विधिक राय लीजिए कि मान लीजिए कोई बीएड का अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहा है फर्स्ट लेवल की, और बाद में ऐसे बाहर कर दिया जाए, उसके साथ भविष्य के साथ क्या होगा, आप सोचिए, वो उधर का भी नहीं रहेगा, लेवल 2 का भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इसकी विधिक राय लेके जो नियमों में हो, जो नियमों में एनसीटी का नियम हो, चाहे लेवल फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन किसी बेरोजगार के सपनों के साथ गलत नहीं हो कि वो तैयारी लेवल फर्स्ट की करने लग जाए, कल हाई कोर्ट का निर्णय आए, कोर्ट लड़के कोर्ट में चले जाए, कोर्ट कह दे नहीं लेंगे, वो बेचारा लेवल 2 की नहीं तैयारी कर पाएगा। कम से कम स्थिति स्पष्ट हो कि हाँ लेवल 2 वाले बैठ पाएंगे, नियमों में है तो वो इस प्रकार तैयारी कर, नहीं बैठ पाएंगे अचानक उनको धोखा नहीं मिलना चाहिए, तो ये विधिक राय ली जाए। क्योंकि साथ साथ हम लोगों को सबको यार 11 लाख बेरोजगार है, हमें मांग करनी चाहिए पदों की संख्या बढ़ाई जाए, चाहे कहते हैं कि ये बीएड वाले के हो, चाहे जिस प्रकार कॉमर्स वालों को सामाजिक ज्ञान में बढ़ा रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो सामाजिक ज्ञान के पद बढ़ाए जाए, कॉमर्स वालों को बिठाया जाए, तो हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इसमें उलझ के रह जाएंगे कि मान लीजिए भर्ती तो आ गई, निकाल दिया बिना विधि परीक्षण लिए, मान लीजिए बीएड वालों को बिठा दिया तो एसटीसी वाले चले गए, नहीं बिठाया तो बीएड वाले चले गए, कहीं भर्ती कोर्ट में अटक जाए और हम उस भर्ती के झुंझुनू को लेकर बैठे रहे। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, लोग कहते हैं रुपेन यादव क्या है, मैं चाहता हूँ स्पष्ट पहले विधि परीक्षण करवाया जाए, नियमों में क्या है, अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, किस आधार पर, कि भर्ती नहीं अटके अपने स्वार्थ के लिए। मुझे स्वार्थ दिखता है कि यार मेरे को तो वहां मौका मिल जाएगा, इसको वहां मौका मिल जाएगा, लेकिन कम से कम उस भर्ती का स्वार्थ देखिए। 31,000 बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है कि अपने निजी स्वार्थ के चक्कर भर्ती नहीं अटके, विधिक परीक्षण कराए, जिसके पक्ष में फैसला हो विधिक विधि नियमों के अनुसार हो, जिससे भर्ती नहीं अटके, समय पर रोजगार मिले। लंबा मेरा टॉपिक हो चुका है, जो गलत समझे समझे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, भर्ती समय पर हो और सबको न्याय मिले, ये मेरा उद्देश्य है। मैंने उनके सामने बात रखी थी, 20 की बताई थी, रीट वाले साथियों आप समझ रहे हो, आपके सामने स्पष्ट होगी, हर बार लड़ाई का ऐलान कर दिया, नई भर्तियों को लेकर चाहे पुरानी भर्तियों को लेकर, चाहे सबके लिए हम ऐलान कर दिया। हाँ, कई मेरी बहनें जरूर इंतजार कर रही होंगी एनएम भर्ती 2013 वाली। बहनें, मुझे याद है इस बार तमाम मांगे हैं, प्राथमिकता के साथ आपकी भी मांग हमने सबसे ऊपर रखी है, सारी मांगे हैं, आपको न्याय मिले 2013 से आप भटक रहे हो। और जो ऐलान किया है दिल्ली, क्योंकि 1,000 तो वो सेंड नहीं है जो एनी टाइम तैयार है, और इस बार उन शहरों को भी तैयार किया जा रहा है, जो सारे जो निडर हैं कि इस बार जो 10,000 लोग जाएंगे आतंक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वहां से हम जब जितने लोग जाएंगे, चाहे हमारे वहां से जेल में डाले, चाहे हमारी लाश आए, हम पीछे नहीं आएंगे, आतंक की लड़ाई लड़ेंगे, ये ऐलान है। मुझे आपका डर पता है, कितनी पीएससी जो खुल रही है हर जगह, 2-2, 3-3 लगाकर आप लोगों को लगाया जा सकता है, इतनी 2013 की ये मेरी बहनें नहीं बची है, जीनम वाले भाई भी हैं वो भी नहीं बचे, कर सकते, इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका मुझे याद है, लगातार मेरे जहन में है, लेकिन जब भी मुलाकात होगी, क्योंकि जिलों में मैं आपसे मिलूंगा, हर जिले में मुझे पता आप मिलोगे, और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, मेरा आप लोगों से वादा है।
अभी हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी हो, अन्य भर्ती के लोग हैं, सब मिलकर, क्योंकि 10,000 लोग होंगे तो सरकार को भी झुकना होगा, तो हम सब मिलकर 1,000 आप, 9,000 और भर्ती बेरोजगार आएंगे, मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। अब एक चीज और बताना चाह रहा था कि वही पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के भी 10,024 लोग हैं। उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कई बार भ्रमित हो जाते हो, एक जगह रहें, एक साथ रहें, इस लड़ाई में हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। जितनी कोशिश मुझसे होगी मैं जी जान लगा दूंगा, आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि आपके साथ आ गया भाग गया, चाहे मेरी जान चली जाए। जिस दिन 25 नवंबर 2019 को जो पीसीसी के बाहर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो उस समय भी मुझे कई लोगों ने कहा यहाँ से निकल जाओ गिरफ्तारी होगी, मैं वहां खड़ा रहा, खुद को गिरफ्तार करवाया, भागा नहीं, छोड़ गई, चाहे मुझे जेल जाना पड़ा, मेरे साथियों किसी को समस्या नहीं होनी थी, चाहे मुझे खुद के कागज लगवाने पड़े, चाहे उनकी जमानत के पैसे मुझे खुद को देना पड़ा, तो उन सबको जेल से बाहर करवाया, चाहे मुकदमा मुझे खुद को ऊपर लेना पड़ा, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका जी जान से साथ दूंगा, जहां आपका पसीन होगा वहां पीना होगा, खून होगा, ये आपके लिए लागू नहीं, प्रदेश के तमाम बेरोजगार के लागू होगा। दूसरी ये चीजें तो मैंने बताई थी, आप 18 वाली मैंने बताई दिया, इसके अलावा राजस्थान की भर्तियों में बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो, इस मांग को हम भूल नहीं सकते, आप सबको इस मांग के लिए साथ रहना होगा कि बाहर राज्यों का कोटा समाप्त होगा तो कहने की आप लोगों का फायदा होगा। इसलिए साथियों, मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक अधिकारियों की तानाशाही चल रही है, इस पर जैसे जैसे फैसला हो। प्रयोगशाला सहायक भर्ती है 1534 पदों पर, रघु शर्मा जी से मैं मिला था जो चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने एक मुझे एक बात कही, मुझे देखते कहा कि यादव जी आप ठंडे कैसे हो गए, तो आज मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री जी को कहना पड़ूंगा, आपने कहा आप ठंडे कैसे हो गए, मैं गर्म हो चुका हूं, आपने कहा मैं गर्म हो चुका हूं कि ठंडे कैसे हो गए, अब गर्म हो गया हूं तो काम भी होना चाहिए, चाहे 1534 भर्ती जो है चिकित्सा सेवा की प्रयोगशाला साई की हो, चाहे एनएमजी ने भर्ती 2013 की हो, चाहे और भी जो चिकित्सा सेवा की जो भर्तियां हैं, वो तमाम भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए मैं गर्म हो चुका हूं, और शायद ये गर्मी पूरी सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है, आज पार की लड़ाई का हमने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, वंचित 7,000 विद्यार्थी मित्र, वंचित 7,000 विद्यार्थी मित्र हैं जिनको पंचायत सहायकों में भी स्थान नहीं मिला, यदि जांच की जाए तो पंचायत सहायकों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कई मंत्री कई एमएलए के लोगों के लोग उसमें लगे थे, तो उसमें भी जांच होनी चाहिए, और इनको 7,000 लोगों को न्याय मिले, इनके भी साथ इनकी मांग हम मजबूती से उतारे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के बयान भी मैंने सुने थे, उनके कई वीडियो मैंने देखे थे, उन्होंने कहा था किसी बीबी छोड़ के चले गए, किसी का परिवार भूखा मर रहा, हमारी सरकार आई है तो उनको लगाएंगे, निवेदित करेंगे, मुझे विश्वास है शिक्षा मंत्री जी उस बयान पे कायम रहेंगे, 7,000 लोगों की का भी इनको विद्यार्थी मित्रों को या तो पंचायत सहायक बनाए, और पंचायत सहायक बनाकर उनको भी संविदा कर्मी मानते हुए स्थायी करें, इनकी मांग रहेगा, और जो पंचायत सहायक है जो 6,000 रुपये में उनका लालन पोषण नहीं हो रहा, उनकी जो स्थिति आपने पूर्व सरकार में बयान दिया था शायद वो स्थिति अभी भी है, तो उनका भी स्थायी किया जाए, ये भी उनके साथ। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 के भी 1,005 पद रिक्त हैं, ये भी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, लगातार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए न्यायालय से भी नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी जू तक नहीं देखे, कम से कम 14,600 जो कितने पद हैं इन पर विज्ञप्ति जारी हो, जल्द से जल्द जारी हो। अरे हम तो ये अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि आप 8 महीने बाद एग्जाम करवा दीजिए, कम से कम सिलेबस तो बता दीजिए, हमारा सिलेबस ये होगा और एग्जाम 8 महीने बाद होगी, ये देने के लिए तैयार है, विज्ञप्ति तो जारी कर दीजिए, परीक्षा तिथि तो जारी कर दीजिए। न्यायालय में आप टाइम मांग रहे हो कि हमें समय चाहिए, कब तक समय मांगते रहोगे, लेकिन ये युवा सब जा चुके हैं, हम सब मिलकर अब ईंट से ईंट बजा देंगे, और इस सिस्टम में सुधार के लिए हमें जो कुछ करना होगा करेंगे, लेकिन पहले वोट की चोट से हम नुकसान पहुंचाएंगे, सबक सिखाएंगे, यदि आप लोगों ने हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो। इसके अलावा दोस्तों, नई स्कूल व्याख्याता के लिए भी कहा था 3,000 पदों पे, जबकि पद बहुत खाली है, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, 18 वाली का, और ये भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाल दिया, 18 वाली स्कूल व्याख्याता एएन जो तमाम भर्तियों को लेकर मैं 11 तारीख को आरकेसी अध्यक्ष साहब से मिलूंगा। देखो, ग्राम सेवक भर्ती भी निकालनी चाहिए, हम लगातार मांग करें ग्राम सेवक भर्ती निकाली जाए, आरएएस भर्ती 2020 निकाली जाए, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती निकाली जाए, टीआरए की जो वैकेंसी है वो निकाली जाए, पंचायत राज जैन भर्ती जो करीब 12 साल से नहीं है, 93% पद खाली है, उसकी वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली, पशुधन सहायक भर्ती निकाली जाए, शारीरिक शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड उनके पद निकाली जाए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकाली जाए, टेक्निकल हेल्पर लगातार जो 9,000 पदों पर घोषणा की थी, बीडी कल्ला जी से मैं 3 बार मिला, उन्होंने भी कहा था हम जल्द निकालेंगे, बयान दिया,
स्टेटमेंट दिया कि सितंबर में विज्ञापन जारी होंगे, जेवीएनएल के भी होंगे, जेएनएन के भी होंगे, सिलेबस में बदलाव होगा, परीक्षा केंद्र भी राजस्थान में दिए जाएंगे, एक भी मंत्री जी आपका वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए आक्रोशित था बेरोजगार, इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है कि आखिरकार इनकी कब सुनी जाएगी, कब इन बेरोजगारों का न्याय मिलेगा, कभी टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी होगी, कब जेवीएनएल में वो वैकेंसी आएंगी, 2000 पदों के लिए आपने ऊर्जा विभाग में घोषणा की थी, इनकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, जलदाय विभाग में पद खाली है 1300 पद, उन पर भी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, फायरमैन की भी भर्ती और जो डीएलबी की भर्ती की विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड में उनकी विज्ञप्ति जारी हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे वनपान हो, चाहे कृषि में जो एलडीसी के पद हो, चाहे एसआई भर्ती 2020 की घोषणा हो, चाहे एमओ जो है आयुर्वेद डॉक्टर की भर्ती हो, चाहे पशु चिकित्सक की भर्ती हो, तमाम जो कई बार कई भर्तियों का नाम नहीं लिखा हो तो लोग कमेंट करते कि भैया हमारी तो मांग ही नहीं थी, तमाम जो पद रिक्त है उन पे भर्तियां का विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए, एक कैलेंडर बन जाना चाहिए कि भैया इस साल में ये भर्ती आएंगी जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके। ऊर्जा विभाग में 9000 पदों की लगातार ये लोग कहते हैं, दोस्तों मैं लगातार चिल्ला चिल्ला कर आपके मांग उठा रहा हूं, मैं खुद बीडी कलाजी से 3 बार मिल के आया, मैं जो आंदोलन की जो हम सबने घोषणा की है इसलिए तो किया, भर्ती आए लंबित भर्तियां पूरी हो, 12 तमाम मांगों के लिए तो कर रहे हैं, आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि आंदोलन का परिणाम, अरे परिणाम मिलेगा इंतजार तो करिए, परिणाम आपके सामने होगा, ये आंदोलन ऐसा नहीं है पुश हो जाएगा, ये आंतरिक लड़ाई का आंदोलन है, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मुझे मरवाए, पीछे नहीं हटूंगा मैं, घोषणा कर दी ना कि 10 तारीख को भीलवाड़ा, 17 तारीख को सीकर, फिर 18 झुंझुनू, उसके बाद 17 दिसंबर को दिल्ली, तो होगा, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। आप सोशल मीडिया पे साथ दीजिए, आप जिस जिले में दौरा हो तो आप देखिए, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी नहीं आते जुड़िए, आप फेसबुक जुड़िए, मैं वहां पोस्ट करूंगा मैं उस जिले में आ रहा हूं, आइए बिना कहे आइए, और वहां आके कहिए हम आपके साथ है, वहां हमारा हुजूम होगी, भीड़ होगी, तो सरकार को पता लग जाएगा राजस्थान के बेरोजगार जाग चुके हैं, हमारी जो लड़ाई है सरकार से नहीं है, सिस्टम से है, और सिस्टम से लड़ाई है, सिस्टम बैठे अधिकारियों की तानाशाही, लेकिन तानाशाही के साथ मंत्री भी लापरवाही कर रहे हैं, और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो सरकार भी फेल हो जाती है। इसलिए आप लोग जहां भी जिले में जाए आप हमारा साथ दीजिए। रीट 2016-17 की एक और सूची जारी हो, सूचना सहायक वाले जो 7 साल से भटक रहे हैं, सूचना सहायक वाले मुझे लगातार मिलते हैं, उनके जूनियर अकाउंटेंट वाले, ये राजस्थान पुलिस 2018 की 1600 ज्यादा पदों पर खाली है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-18 की एक और वेटिंग सूची, ये वेटिंग सूची वाले इनकी सूची जारी क्यों नहीं हो, 2016-17 की रीट की है, 18 की है, सूचना सहायक 2013 से देख लीजिए आज भी लंबित है, जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं, राजस्थान पुलिस वाले हैं, और ये जो सेकंड ग्रेड 2016-17-18 वाले, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आंदोलन आप सबकी मांगों के लिए है, आप जहां भी जिस जिले में हमारा सपोर्ट करिए, आपकी आवाज बड़े मजबूती से उठाई जाएगी, लेकिन मुझे अब इस आंदोलन में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग आए थे और मुझे विश्वास है आप लोगों से मैं लगातार मिल रहा हूँ, आप लोग इस आंदोलन में पूरा सहयोग करेंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, तो आप लोग सहयोग करें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 मुकेश बेनीवाल, रोज मेरे आज जब उनसे मुलाकात होती है तो मैं देखता हूँ उनकी जो चिंता है, वो कहता है मैं अवसाद में, 583 जो अभ्यर्थी आज भी भटक रहे हैं, बोले कोर्ट में, बोले ये है फलाना ढीक है, क्या यार आपका मामला हो तो कोर्ट में निपट जाता है और आम बेरोजगार होगा तो वो लटकता रहे, तो 583 बेरोजगार आज भी भटक रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक पीटीआई भर्ती की एक और सूची जारी होनी है, प्रयोगशाला सहायक और पीटीआई की भर्ती की एक और सूची हो, चाहे कृषि परीक्षक की हो, जो तमाम भर्तियां जो है उनकी सूची जारी हो अधीनस्थ बोर्ड से। इसके अलावा एएन भर्ती वालों, मैं खुद जा रहा हूँ, एएन भर्ती में जो रूल्स में बदलाव हुआ था उसमें उन्होंने सहमति के लिए आरपीसी को भेजा था, अभी तक वो चीज अटकी पड़ी है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि 11 तारीख को मिलकर और कोशिश करूंगा कि आपकी वो सहमति की जो फाइल है वो वापस है और यहाँ नोटशीट तैयार है, जल्द से जल्द जो रूल्स में संशोधन होने के बाद जो राज्यपाल कैबिनेट उसके बाद आपकी अधिसूचना जारी हो जारी है, उसके बाद आपका जो कोर्ट से स्टे हटे उसके बाद आपका परिणाम जारी हो, तो एएन भर्ती वाले से मेरा निवेदन है मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद सचिवालय कार्यवाह के जाके पूछिए, कुपेन यादव पूछता नहीं है कि क्या हुआ, मैं कल भी जाके पूछ के आया था साहब वो सहमति पत्र वो सहमति की फाइल आ गई, बोले नहीं आई, वहाँ के जो आरपीएससी में जो है उस अधिकारी से मेरी फोन पे बात हुई, बोले दिखवाते हैं, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और भी जो स्कूल व्याख्या थे भर्ती 2018 का परिणाम हो उनके लिए भी जा रहा हूँ, एनटीटी वाला मैंने बता ही दिया, एसआई भर्ती 2016 में कम की गई 227 पद है, अब देख लीजिए आप देख लीजिए जब अपने लोगों का भत्ता बढ़ाना हो एमएलएज का तो वाह यार जल्दी बढ़ जाता है, यहाँ तो पद काटने की बात आ रही है, 227 पद कम कर, जबकि
पूर्व जो प्रसाका माथुर जी थे जो इसमें भर्ती सेल में, उन्होंने लेटर लिखा था पद बढ़ा स्वीकृत करने के लिए कर दिए थे, तो उसको आज तक वापस नहीं जोड़े गए। इनके पद भी वापस जोड़े जाए, इनकी बात भी मजबूती से हम रखेंगे, आप लोगों का पूरा सहयोग मिले। आपके लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं जानता हूँ आपकी पीड़ा, पहले भी सहयोग किया था, मैंने पूरी कोशिश की थी, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब ये आंदोलन में आपका भी प्रमुखता के साथ मुद्दा है और आपकी आवाज उठाएंगे। स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 और लाइब्रेरी में जो 14% EWS MBC के जो पद शेडो पोस्ट क्रिएट करने थे वो 19 से दिए गए। EWS और MBC के खिलाफ नहीं है, वो हमारे भाई उनके साथ है, लेकिन ये पद बढ़ाने चाहिए थे, ये भी मांग हमारी प्रमुख है, इनके पद बढ़ाए जाए। लाइब्रेरी में तो और भी पद खाली है, वो बढ़ाए जाए, और ये 14% वाला मामला भी है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आपके साथ हमें, आपको हमारा साथ देना होगा इस लड़ाई में, इस अभियान में, इस आंदोलन में, जिससे हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीते हैं। ITI कनेक्शन निदेशक वाले भी कह रहे हैं कि 2011 के बाद ये पहली भर्ती है, इसमें पद बढ़ाए जाए। प्रयोगशाला सहायक 2018 की सूची जारी हो, बिल्कुल कृषि प्रयोगशाला 2018 की वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची तो जारी होगी, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, आज तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अटके पड़ी है। देख लीजिए अब इनकी सूची, महीने 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं पा रही, तो मैं इनके लिए भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनके नियुक्ति आदेश जारी हो, यानी कि दिवाली से पहले इनको राहत मिले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सहायक अभियंता कनेक्शन बैंकिंग का जो है ना पाठ्यक्रम हटाते हुए राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा 70% तकनीकी, 30% राजस्थान सामान्य ज्ञान शामिल किया जाए, परीक्षा केंद्र राजस्थान में दी जाए। और बिना बजट का मामला है यार, बैंकिंग से हटाकर सामान्य ज्ञान जोड़ना, परीक्षा केंद्र राजस्थान में देना, जिससे नकल नहीं होगी, अधिकारी अपने लोगों को नहीं लगा पाएंगे बाहर सेंटर देकर, कम से कम ये बदलाव तो होना चाहिए। ये भी जब हमारी मुलाकात तो मुख्यमंत्री से, तभी तो ये कुछ अधिकारी गुमराह करते हैं, बात सच्ची है, कम से कम ये बिना बजट का मामला है, बाहर राज्य का कोटा कम हो वो बिना बजट का मामला है, ये चीजें हैं। कनिष्ठ अनिदेशक भर्ती वाला मैंने बता ही दिया, मेरी उनसे बात हुई थी। SI भर्ती दूरसंचार, एक सबसे बड़ी मांग है, मैं कल परसों चैनल में बता रहा था, SI भर्ती 2016 दूरसंचार विभाग की थी, आज तक उसके एग्जाम नहीं, फॉरम भरवा लिए, आज तक एग्जाम नहीं है 2016 से, अब देख ली 20 आगे, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं। एक कृषि प्रेक्षक भर्ती 2,270 पदों पर परिणाम जारी किया जाए, ये भी मेरे को ज्ञापन मिला था। इसके अलावा 200 छात्र अधीक्षक भर्ती 2016 के चयनित, शायद 200 269 है, मेरे को आज भी याद है, अधीनस्थ बोर्ड ने तो परिणाम निकाल दिया, विभाग को भेज दिया, विभाग कह रहे कि हम नहीं लेंगे, अब बेचारे फुटबॉल बन चुके, ये कह रहे हमने निकाल दी, अब इनका क्या हो, मंत्री जी अभी एडमिट है, उनकी तबियत खराब है, ये जाए तो कहा जाए। तो दोस्तों आपकी मांग भी मजबूती से उठाएंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कम से कम आप लोगों की दस्तावेज सत्यापन आपको ज्वाइनिंग मिले। इसके अलावा कर्सा भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी हो, ये भी मुझे मिले थे, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग हुए तो बहुत दिन हो गए लेकिन आज तक इनकी सूची जारी नहीं हुई। यार जिसका दबाव बनता है उसकी सूची जारी कर देते हो, जिसका दबाव नहीं बनता, ये इनकी सूची आज तक जारी नहीं, ज्यादा पद भी नहीं है, सूची तो आपके पास आ भी चुकी है, पद तो जारी, इनकी सूची जारी करनी चाहिए थी ना। पशुधन सहायक भर्ती में रिक्त प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए, जो पद है ना उसकी, इसकी भी सूची जारी होनी चाहिए। महिला अधिकारी विभाग सुपरवाइज पद पुरुष, क्योंकि जो महिला अधिकारी विभाग में सुपरवाइज पद पे महिलाओं को तो ज्वाइनिंग भी दे दी, आज पुरुष बेचारे भटक रहे हैं, अरे भाई इन पुरुषों ने क्या बिगाड़ दिया, जानते हैं महिलाओं के भागीदारी प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, भैया पुरुषों से प्राथमिकता नहीं दी उनको शाम को खाना नहीं देंगे, लेकिन कम से कम पुरुषों को तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए ना। इसके अलावा मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाली, भैया कल ही मैं जाके आया था और वो कह रहे हैं कि नवंबर भी में समय लगेगा, इसलिए तो मैं आक्रोशित तो हूं कि तभी बार बार हर चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, ये ऐसी तैसी करने पड़े अधिकारी कार्य विभाग में, आपकी फाइल पड़ी है मोटर वाहन AN वाली पड़ी है, रीट वाली पड़ी है, और कई फाइलें पड़ी है, 1998 वाले बेचारे भटक रहे हैं, 2004 वाले भटक रहे हैं, 2006 वाले भटक रहे हैं, यूं में फाइल पड़ी है, आज तक उनका निस्तार नहीं हो पा रहा, 1998 2004 2006 बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आज तक उनका निस्तार नहीं हो पा रहा। कॉलेज व्याख्याता भर्ती में गुड एकेडमी के नियम हटाए जाए, मैं मंत्री जी से मिला था, सहमति दी थी, अब मैंने पोस्ट भी की थी, लेकिन ये नियम नहीं हटाया गया, फिर अभी इसको नियम को हटाना चाहिए थे, कई लोगों के साथ गलत हो रहा है, 9 तारीख आ रहे हैं इनके साथ, मैं मंत्री से मिलने की कोशिश करूंगा, पूरा सहयोग इन लोगों को करूंगा। सबसे बड़ी बात, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मैंने इस लाइव में सब लोगों का भर्ती का नाम इसलिए लिया था कि लोग उनके मैं भूल गया, अरे भूला नहीं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने सक्षम अधिकारी CM साहब के उनके पास पूछा दिया है, लेकिन जिन जिन के ज्ञापन आए मैं और बता दूँ, मेरे पास टेक्निकल हेल्पर भर्ती का ज्ञापन उस दिन मिला, अभ्यर्थी आए थे, भैया आपके साथ मैं हूँ, आपके ज्ञापन की जिक्र भी हमने किया, साथ है
ये एक आएगा अनुदेशक वृत्ति की विज्ञप्ति जारी कर, नई अनुदेशक वृत्ति की विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, मांग कर रही है अभी। सूचना सहायक वाले बेचारे के, इनके इतने ज्ञापन आ चुके, इतने परेशान है वास्तव में, लगातार आते हैं, इनकी 7 साल से हो गए ना। जेई परीक्षा स्थगित करने, कौन सी भर्ती स्थगित करने भाई, पुस्तकालय वाला मैंने बोल ही दिया। स्टोनो भर्ती का समय, कई लोगों को डर है कि स्टोनो की भर्ती जो मार्च में कहीं वापस रुक नहीं जाए, ये भी कह रहे हैं हम तैयारी करें, कई बार भर्ती रुक भी जाती है समय पे, ये भी ज्ञापन आया। एलडी 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी हो, पशुधन सहायक वाली वेटिंग जारी हो, महिला अध्यापक पुरुष वाला आ गया, रीट 2018 वाला है, 2016 में जो विसंगतियां हैं और उसकी 227 पद जोड़े जाए वो भी है, रीट स्पोर्ट्स कोटे से चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति देने, जो कई लोगों का 2016 में 13 में किया ना वो 18 में रोक दिया गया, ये भी मेरे पास एक ज्ञापन है। सेकंड के 2018 और 16 की एक और सूची जारी है वो भी है, दो रीट 2016 अंग्रेजी विषय 826 पदों वाला, वो भी ज्ञापन है। ये जितने ज्ञापन मिले हैं मैंने मेरे लेटर पैड पे जो चीजें हैं ना मैंने संबंधित अधिकारी को भेजा है। अब सरकार से जब हमारी मेज पे वार्ता टेबल पे बात हो तभी इन सारी चीज मेरे पास है, नोटिस में है। मुझे पता है हर बेरोजगार की समस्या समझता हूँ क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए है, जैन की विज्ञप्ति जारी है उसके लिए है, नवीन पशुधन सहायक के लिए है, ये वो ज्ञापन उस दिन मिले थे वो है सारे। ये पशुधन सहायक भर्ती 2018 की भी है, एलडीसी पंचायत राज वाले। अब इसमें एक चीज दिखाऊंगा मैं, ये मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्ट डाली थी आज, यहाँ निवासियों के प्रदेश के अलग अलग युवाओं ने मुलाकात कर पंचायत राज विभाग की करंट लेवल भर्ती सहित 10,000 भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस निर्णय करीब 6 साल से नियुक्ति की राह देख रहे नौजवानों के आसपूरी के साथ ही प्रदेश से 10,000 से अधिक प्रयोग को निर्णय संबल मिलेगा। भैया 1 साल पहले की होगी देख लो, 6 साल तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, 1 साल हो गए, लेकिन पाछों कुछ छोड़ नो जो मैं थारी साथ छू अपना नौकरी ले रहा, मजबूत हो जाओ। अरे भाई मैं लठ में खाऊ तारी साथ, लड़ाई लड़ा ला जीता ला था। कर साइक वाला जो मैं लिखाया था, ये चीजें वही ज्ञापन है जो मैंने ये किया था, कहीं रह नहीं जाए विद, ये सारी चीजें मैंने पूछा ही दी है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि कई लोग फर्जी आइडिया बनाकर नेगेटिव कमेंट करने की कोशिश करते हैं, उल्टा सुलटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए, क्योंकि मेरे राजस्थान में लाखों बेरोजगार हैं, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है, मेरे जो भाई बहन है उनका प्यार है, और वही मेरे लिए ऊर्जा है। मैं लगातार आज कई लोगों को जो इसे महिला आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता उनको ज्वाइनिंग मिली ता खुश हुए भाई ने, मुझे लगा मैं भी बहुत खुश हुआ। सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग मिली है, एलडीसी वालों मिली, यार हमने काम किया। आज उन लोगों का जब मैं हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में गया, उन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, तो आज मैं मेरी जगह खुश हूँ कि हाँ हमने कुछ किया है। चाहे मुझे इस चीज का डर नहीं है, जान हथेली पे लेके चलता हूँ, चाहे कल ही मरवा दी, मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी में अच्छा किया है, क्योंकि हमने सच्चाई की लड़ाई जीती है और आगे भी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो होते हैं जो कायर होते हैं, जो घर बैठे कुछ नहीं करते, बस उल्टा सुलटा, अरे कम से कम साथ देना चाहिए आप लोगों को, कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम में सुधार, सपना मेरा ये है कि सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले। जिस प्रकार एमएलए एमपी का जो पद रिक्त हो जाता है कोई दुर्घटना घटने पर, 6 महीने में भरना अनिवार्य होता है, तो राजस्थान की भर्तियों में जो पद रिक्त होते हैं 6 महीने भरना चाहिए, ऐसा नियम था, यहाँ भी लागू होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप बताइए, होना चाहिए। ये तमाम वो है कि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जो इसके अलावा जो मैंने बोला ना, इसके अलावा कोई अभ्यर्थी की कोई मांग रहेगी होगी तो मुझे व्यक्तिगत कल सुबह फोन करें, नोट कराए, मैं मांग पत्र में डालूंगा। इसके अलावा ये मांग पत्र बेरोजगार का आम मांग पत्र है, ये किसी राजनीति पार्टी का नहीं है, और जिस जिले में जाएंगे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, उस जिले में आप मिले, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा, एक दिन पहले ही चला जाऊंगा, जो टाइम दिया है रात को पूछूंगा, सुबह वहां मीटिंग करके मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे कि अब वोट की चोट है, पहले वोट की चोट, फिर दिल्ली कूच, और फिर कुछ लेके आएंगे, ऐसा नहीं है यार, मैं भी थक चुका हूँ यार, मुझे पता है कि दिल्ली गए तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, या तो फलटा देंगे या जेल में डाल देंगे, तो मैं भी यहाँ बेरोजगार हूँ, आंसू देख देख के दुखी हो चुका हूँ, जेल में डालेंगे बढ़िया यार, अंदर रहेंगे कम से कम, ये भी दुखी नहीं है क्योंकि देख के यार सुबह ज्ञापन लेके आ गए, बेरोजगारों को लेके आ गए, कई लोग दुखी भी हो चुके हैं, कई मंत्री दुखी भी हो चुके हैं, यार सुबह सुबह उठ के आ जाता है, लेकिन उन लोगों की पीड़ा नहीं समझते वो कितने दुखी है, उनके साथ उन माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं, उनके माँ बाप पूछते बेटा क्या हुआ, कई लोग तो शर्माने लग जाते हैं, कई लोग तो मिठाई बांट चुके, जब 3 सितंबर को जो कहा अपने मुख्यमंत्री जी आदेश जाने, कई लोगों ने मिठाई बांटी थी, आज क्या हो रहा है यार ये। इसलिए इस ये लड़ाई प्रदेश के तमाम बेरोजगारों के लिए है, और ये लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, जब तक भैया
जो हमने लड़ाई की शुरुआत की है वो शुरुआत तभी समाप्त होगी जब हम सब सिस्टम में सुधार कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में आप साथ दोगे। एक छोटी सी एक बात और बोलना चाहूँ, लाइव बहुत लंबा हो चुका। आरएस मेंस 2018 की कॉपियों में जांच की गोपनीयता पर ज्ञापन मिला था मुझे। आरएस मेंस का रिजल्ट कॉपी जांच में उठे सवाल, इसमें क्या आरएस मेंस 2000 कॉपी जांच की जो संबंधी गोपनीय सूचना है ना प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार, क्योंकि जो कॉपियों की जांच के बारे में प्रिंट मीडिया कई बार गोपनीयता हो गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी जांच कर रही है, और उसके जो वाइस चांसलर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, तो आरएस पर भी सवाल उठते हैं। और जो फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी प्रमाण पत्र हैं, मैंने पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से भी निवेदन है उस पर जांच करवाइए। मेरे दावे झूठे हो तो मुझे फांसी दे देना, जेल में डाल देना, कम से कम जांच तो करवाइए। अब एसओजी वाले के कई बार फोन आए, मैं छोटे दादाजी के एक्सपायर गाँव चला गया उसके बाद आज तक फोन भी नहीं आए, वो भी ठंडे पड़ गए। अरे हालांकि कुछ मैंने ज्ञापन दिए हैं, कई लोग ऐसे भी परिवार में सदस्य हैं जो फर्जी नौकरी लगे हुए हैं तो वो भी बाहर होंगे, लेकिन अब ये आंदोलन जब टेबल पे हम जो हमने जो लड़ाई का ऐलान किया है ना, जब टेबल पे बैठेंगे तो सारे मुद्दे जो कड़े मुद्दे हैं जो फर्जी डिग्रियों से लग रहे हैं वो भी बाहर आएंगे यार। कई जिनको ब्लैक लिस्टेड किया है, कई लोग मेरे पास वो शिकायतें हैं, लेकिन चाह रहे हैं एक बार कम से कम इन पे जांच बैठे, अधिकारियों पर जांच बैठे। तो दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि हम इस जो लड़ाई को शुरुआत जो शुरुआत हम कर रहे हैं 10 तारीख से भीलवाड़ा, तो ज्यादा ज्यादा लोग भीलवाड़ा के आसपास जिलों के वहां पूछे, 17 तारीख को सीकर पूछे, ये लड़ाई हम सब मिलकर जीतेंगे। मुझे विश्वास है जिस प्रकार आपने 9 साल तक मेरे संघर्ष किया, 9 साल तक आप लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया और विश्वास जताया, वो आगे भी जताएंगे। ये लड़ाई मैं चाहता हूँ अंतिम हो कि बेरोजगार आयोग बने, और बेरोजगार आयोग कई लोग राजनीति षड्यंत्र वाली बातें करते हैं, मुझे नहीं बनाई है, मुझे बनना भी नहीं है, लेकिन बेरोजगार आयोग की आवश्यकता इसलिए है कि जो 35 बेरोजगार हैं भर्तियों के बेरोजगार, उनसे अधिकारी मंत्री और डायरेक्ट बात करें, उनके समस्याओं का निस्तारण उनके सामने करें, कम से कम उन्हें बात रख सके, उनको बेरोजगार आयोग की रुपये नहीं की आवश्यकता नहीं पड़े, बार बार धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़े, बार बार कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़े, उनकी समस्याओं का निस्तारण उस आयोग में हो जाए। इसलिए बेरोजगार आयोग बनते ही राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ को समाप्त कर दिया जाएगा, ना उपेन यादव की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसमें भी हमारी प्राथमिकता के साथ मांग है कि बेरोजगार आयोग बने। अब आगे हम नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगातार साथ हैं, इस लड़ाई को हम सब मिलकर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।